हाय एवरीवन, आए दिन मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैडम मुझे जल्दी प्रेग्नेंट होना है, मैं कब रिलेशन बनाऊं या मैं कब संबंध बनाऊं। तो जनरली मैंने कुछ डेज डिसाइड किए हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप उन दिनों में संबंध बनाते हैं या साथ में रहते हैं तो प्रेग्नेंट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। बट जैसे कई सारी महिलाओं को प्रॉब्लम ये रहती है कि किसी का एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक रप्चर नहीं हो रहा है, तो भले ही फिर आप कितना भी साथ में रहे आपको कंसीव नहीं हो सकता है। अगर आप कई महीनों से ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप एक बार अपने फोलिकुलर मॉनिटरिंग, जो सोनोग्राफी होती है अल्टरनेट डेज पे, वो करवा के देखे कि आपकी एग की क्वालिटी कैसी है, कितने एमएम तक आपके एग बड़े हो रहे हैं और एंड में वो रप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जिस दिन एग रप्चर होता है उस दिन हम लोग संबंध बनाने की सलाह देते हैं पेशेंट को। बाकी अगर आप नए नए हैं, अभी ट्राई करना शुरू किया है, तो 6 महीने तक वैसे भी हम लोग कोई ट्रीटमेंट एडवाइज नहीं करते पेशेंट को। 6 मंथ तक हम लोग यही बोलते हैं कि आप नेचुरली ट्राई करिए, अगर 6 महीने में भी कोई भी सफलता आपको नहीं मिलती है तो फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। तो जनरली हम जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 22वें दिन तक हमें साथ में रहना है। उसके बाद आपको साथ में रहने की जरूरत नहीं है, फिर आपको इंतजार करना है कि पीरियड आ रहा है या फिर आपका पीरियड मिस हो रहा है। बाय चांस अगर आपका पीरियड मिस होता है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन रहता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट हो गए। धन्यवाद।